हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th आईसीएसई से चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन, उसकी एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन करके दिखाएंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट मैंने लिख दिए। अब ये क्वेश्चन फैक्टराइज हो सकते हैं स्प्लिटिंग द ब्रदर टर्म से, ये बात कैसे पता चलता है? उसके दो नियम है। एक तो ट्राइनोमियल टर्म होनी चाहिए, तो देखिए दोनों में ही ट्राइनोमियल टर्म है, और जो यहाँ एक्स की पावर है वो हमेशा 2 से स्टार्ट हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, 2, 1, 0। यहाँ चेक करो y की पावर 2, 1 और 0। तो ये कंफर्म है कि ये दोनों ही क्वेश्चन स्प्लिटिंग के रिटर्न से हो जाएंगे। अब स्प्लिटिंग के नियम क्या है वो देखिए। ये जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये जो इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला टर्म है, मतलब जिसके साथ x मौजूद नहीं है, इसे मल्टीप्लाई करो। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1 है ना, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 आ गया। ये देखिए अब इस 7 के बनाइए फैक्टर्स, क्या क्या आएंगे? 7 और 1। अभी 7 और 1 को इस तरह से एडजस्ट करना है, आंसर में प्लस का 6 आ जाए। तो देखो जरा ध्यान से, मैं सही लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 1x माइनस 1। चेक करो प्लस का 7 माइनस का 1 प्लस का 6 ही होता है, दोनों फैक्टर भी यूज हो गए और इनका एडजस्टमेंट प्लस 6 भी दे रहा है आपको। अब जब भी आप स्प्लिटिंग द टर्म में 4 टर्म तक पहुंचेंगे, समझ जाइएगा कि पहले 2 और अगले 2 में से ही कॉमन आएगा। इस चीज के लिए कोई टेंशन का जरूरत नहीं है कि कौन से 2 टर्म लें, हमेशा पहले 2 और अगले 2 में ही आएगा अगर आप स्प्लिटिंग द टर्म कर रहे हो। तो चेक करो पहले 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर टर्म तो कोई कॉमन है नहीं, सिर्फ x कॉमन आ रहा है। वो क्यों? यहां 2x है, यहां 1x है, तो हमेशा कम वाला x बाहर आएगा। बचा क्या? x + 7। वापस अंदर मल्टीप्लाई करके देखो, एग्जैक्टली यही टर्म आ जाएगा, ठीक है? माइनस हमेशा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, यहां पर ये वाला साइन एज इट इज आएगा, टेंशन की जरूरत नहीं। कॉमन x - 7 में से कुछ ले, कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 लिख देते हैं, लगा दिया ब्रैकेट। अब माइनस 1 में क्या मल्टीप्लाई करो कि माइनस एक्स आ जाए, पक्की बात प्लस एक्स करना पड़ेगा। चेक करो माइनस 1 इंटू प्लस एक्स इज माइनस एक्स। अब इस माइनस साइन में कौन सा साइन मल्टीप्लाई करो कि माइनस आ जाए, तो माइनस इंटू प्लस एक्स माइनस, और बचा क्या? 7। चेक करो क्या दोनों ब्रैकेट मैच हो रहे हैं? बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है चेक करने का कि आपने अब तक जो काम किया है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब इस एक्स प्लस 7 को भी बाहर निकाल लिया मैंने, ये लीजिए कॉमन में क्या बच गया, एक्स माइनस का 1। पहला पार्ट फिनिश। दूसरे पे आइए, y स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहां कुछ है नहीं, 1 ही है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ y 18, 1 * 18 इज 18। चलिए फैक्टर बनाइए, 2 9 से 18, 3 3 से 9 और 3 1 से 3, फैक्टर बनाइए 2 3 3 1। तो इस तरह से एडजस्ट करो कि आंसर में प्लस 7 आ जाए। तो देखो 3 3 का 9 और 2 1 का 2। अब 9 और 2 को कैसे एडजस्ट करो कि आंसर में प्लस 7 आ जाए? तो चेक करो जरा, y स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 2y, क्योंकि 9 और 2 एडजस्ट कर सकता हूं, और चेक करो ये प्लस 7y आ रहा है माइनस का 18। चार टर्म आ गए। अब फैक्टराइजेशन में जाओ, स्प्लिटिंग में टर्म करते हो और चार टर्म आ जाए तो समझ जाना पहले 2 और अगले 2 में से ही कॉमन आएगा। निकालो कितना कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर टर्म तो आ ही ना कोई, क्योंकि है ही नहीं कोई, सिर्फ y कॉमन आ सकता है, तो यहां 2y यहां 1y है, 1y बाहर आ गया। बचा क्या? y + 9 बचा, अंदर मल्टीप्लाई करो मैच कर रहा है बिल्कुल, ये वाला साइन एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब 2 और 18 में से कॉमन, तो देखो 2 को मैंने लिख दिया 2 * 1 और 18 को लिख दिया 2 * 9, तो चेक करो क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। y दोनों के पास नहीं है इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। बचा क्या? अब यहां पर देखो ब्रैकेट में 2 था और y था, 2 तो बाहर है, y बचा। अब माइनस में कौन सा साइन मल्टीप्लाई करूं यहां कि माइनस ही आ जाए, तो माइनस में प्लस मल्टीप्लाई करके माइनस आता है, 2 और 9 था, 2 बाहर है, 9 बचा। चेक करो y + 9 का कॉमन है, ये लीजिए बाहर निकाल लिया, बचा क्या? y - का 2। ये लीजिए हो गए दोनों क्वेश्चन फिनिश। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।